अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैंगन का भरता बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये 5 बैंगन लिए हैं। और बैंगन में हमने ऐसे चीरा लगा लिया, और कच्चे बैंगन हैं, बीज नहीं है बैंगन। इसमें हम ऐसे लहसुन रख देंगे, तो आज हम बिना भुने बनाएंगे। बैंगन का भरता ज्यादातर भून के बनाते हैं, तो आज हम बिना भुने बनाएंगे स्टीम वाले। तो ऐसे ही हम 2 से 3 जवे जो है ऐसे ही फांक करके उसमें रख देंगे, ताकि अंदर तक से भाप से ये पक जाए। देखिए ऐसे ही, तो ये हमने सब में ऐसे ही रख लिए। तो इधर हमने स्टीमर रख दिया, पानी गर्म होने लगा है, तो हम इसमें लगा लेते हैं। तो इसमें हम रख देंगे बैंगन। देखिए ऐसे करके 4 बैंगन आ गए, और इसके ऊपर हम फिर से एक रख देंगे। और इसके ऊपर एक बैंगन रह गया, वो रख देंगे। जो हमारे जो बैंगन थे इसमें आ गए, हम इसे 10 से 12 मिनट इसमें स्टीम करेंगे, ताकि ये नरम हो जाए। और बीच में हम इन्हें पलट देंगे। ये देखिए स्टीम अच्छे से बंद हो गई है। तो हल्का सा हमने इसमें ऑयल लगा दिया है। ये देखिए हमारे बैंगन कितने अच्छे हो गए, और ये बिल्कुल तैयार हैं, नरम हो गए बिल्कुल। और ये आप के भूनना और ये करना उससे आप बच गए, तो ये छिलका आराम से उतर जाएगा इसका। तो हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इन्हें बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए आप चारों तरफ से कितना बढ़िया सा हमारा जो है अच्छे से भुन गया, और इसमें पानी नहीं गया बिल्कुल भी, क्योंकि हमने इस पे ऑयल लगा रखा था, तो इसलिए ऑयल की वजह से पानी इस पे टिका नहीं बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो हल्की सी जो भाप है बस वही है, वो भी खत्म हो जाएगी। ये देखिए ठंडे हो जाते हैं, तो हम इसका छिलका उतार के और इसका कटिंग करके दिखाते हैं। छील लिए, ये देखिए जैसे भुने हुए बैंगन छीलते हैं ऐसे ही ये स्टीम वाले बैंगन। ये देखिए छिलका आराम से उतर जाता है इनका। ऐसे ही आप बैंगन और टमाटर, हरी मिर्चे, जो भी आप ऐसे स्टीम करना चाहें, तो आप बिल्कुल ऐसे ये बनेंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार होते हैं ये, बिल्कुल वैसा ही मज़ा आता है। ये सारे हमने छील लिए। दिया गरम होने के लिए सरसों का तेल, 3 चम्मच तेल रख दिया, हमारा तेल गरम हो गया। ये हमने 3 चम्मच ऑयल ले लिया। अब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, साबुत जीरा व्हाइट। इसी के साथ साथ हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, ये बस टेस्ट के लिए, ये बस शो आ जाए, तो 1 टीस्पून डाल देंगे। नहीं हो तो आप जो है साबुत भी डाल सकते हैं। और 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं, ये हमने महीन काट ली, डाल देंगे। ये बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है। लहसुन को हमें ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस लाइटली ब्राउन करना है। तो बहुत कम मसालों में बन जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है बिल्कुल। हम ये खुद अपने आप लेकर आए ये वीडियो, आपने ये देखी नहीं होगी ना खाया होगा, तो आपको भी बहुत ही मजा आएगा जब बना के ये खाएंगे या खिलाएंगे घर वालों को। ये देखिए लहसुन ब्राउन हो गया हमारा, तो प्याज डाल देंगे। ये हमने 250 ग्राम प्याज लिए, और ये कद्दूकस कर लिया हमने इसे अच्छे से। प्याज को भी हम 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे, चेंज नहीं हुआ इसका, बस नरम हो गई है बिल्कुल। तो ये हमने 1/2 किलो टमाटर लिए और उसको महीन काट लिया है, और ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसे भी कद्दूकस कर लिया। 8 से 10 हरी मिर्चें, मोटी वाली मिर्चें हैं, ये तेज नहीं है ज्यादा। ये देखिए बस इसमें 2 से 3 तेज वाली मिर्चें हैं, तो ये डाल देते हैं, साथ ही डाल देंगे। इसे भी हम भून लेते हैं अच्छे से। और इसी के साथ साथ हम इसमें 1 टीस्पून नमक है और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, ये भी डाल देंगे साथ में। ये भी अच्छे से हम मिला लेते हैं, और खूब अच्छे से मसाले को पकने देते हैं। ये हमारे टमाटर जो है भुन गए, ये देखिए 5 से 7 मिनट हुए इसे, अच्छे से नरम हो गए। तो ज्यादा मिर्च नहीं करना है, ज्यादा मिलाना नहीं है उसे। तो हम बैंगन डाल देंगे, तो बैंगन में जो हमने लहसुन रखा था वो हमने 2-2 पीस कर दिए। ये देखिए उसके बिल्कुल नरम है एकदम,
तो ये भी इसी में ही डाल देंगे। इसी के साथ साथ बैंगन भी डाल देंगे। देखिए हमने बैंगन भी डाल दिए और इनको अच्छे से हम मिला देते हैं इसमें। और बिल्कुल अलग तरीके से हमने बनाया एकदम, कि भूनने की जरूरत ही नहीं पड़े और बहुत ही बढ़िया भुर्ता बन के तैयार होगा हमारा। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें या क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं हर चीज़ की, बैंगन की भी। और जब बैंगन कम होंगे तो मसाला भी कम ही होगा, तो आप उसके हिसाब से डालें सारे मसाले। मेरी सब्जी ज़्यादा है तो इसलिए मसाले जो गिरे हुए वो भी ज़्यादा है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा बैंगन तैयार हो गया। इसमें आप मटर भी डाल सकते हैं और जो आपको सब्जी पसंद हो वो भी डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं। तो इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे हल्की आंच पे, ताकि जो भी इसमें पानी हो, सिलबिलापन हो, वो ख़त्म हो जाए और अंदर तक अच्छे से मसाला चला जाए। तो इसे हम ढक देते हैं, दिखाते हैं 5 से 7 मिनट। ये देखिए हमारे बैंगन जो है अच्छे से पक गए हैं, बैंगन का भरता तैयार हो गया, इसका पानी बिल्कुल खुशक हो गया। अगर अगरचे आपको और भी मैश करना हो तो आप मैशर की मदद से, जिससे आलू फोड़ते हैं उससे, और आप इसे घोट सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। जब मुंह में आएगा और लुक में उठाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो नमक मिर्च आप टेस्ट कर लें, अगरचे फीका हो तो आप नमक डाल के 1-2 उबाल दे सकते हैं। तो धनिया डाल देंगे, सारा धनिया, इसे भी हम अच्छे से मिला देते हैं। तो हमारा भरता बिल्कुल तैयार हो गया, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा लग रहा है ये देखने में भी, और ये खाने में भी इतना ही अच्छा लगेगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर चाहे आपको एक रोटी की भूख होगी तो आप 2 खाएंगे इससे, ये इतना मजे का बनता है। आप भी हमारे तरीके से बना के देखिए और खा के कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं ऊपर से। अगर चाहे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसीलिए। और फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।